Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये जो प्रोसिक्यूशन है इसको मॉनिटर मैं खुद करूं। कानून के मुताबिक हर काम जो पॉसिबल हुआ मैं करूंगा। शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस मेरिट पर चलेंगे। नाएल वजीर आजम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की खुद निगरानी करूंगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड का चार्ज संभालते ही ऐलान, कहा अब एहतसाब का अमल सबके लिए होगा, सारे काम कानून के दायरे में होंगे, बहुत जल्द तब्दीलियां आएंगी। ये जो प्रोसिक्यूशन है इसको मॉनिटर मैं खुद करूं, इसमें अगर कुछ खामी है उन खामियों को दूर किया जाएगा। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सबके लिए, मतलब जैसे जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो ये मैंने कहा था कि जी जस्टिस फरहान, मेरी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, सिर्फ बहरिया टाउन में घर लेने की गलती मुझसे हुई है, ईमानदारी पर कोई उंगली भी उठा दे तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊंगा, चेयरमैन ने। पंजाब में लापता अफराद की तादाद बढ़ रही है, 247 अफराद जबरी तौर पर लापता हैं, लोगों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। लापता अफराद कमीशन के सरबरा और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड की सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी में गुफ्तगू, ये भी कहा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पर उस वक्त के वजीर आजम 20 घंटे तक ब्रीफिंग दी, इस दौरान महसूस किया कि वो किसी और ही सोच में गुम है। हमूदुर रहमान कमीशन समेत तमाम रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएं। नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने का नोटिस, बरतानिया 8 साल 30 दिन के अंदर पेश हो जाएं वरना दायमी वारंट जारी होंगे, जायदाद भी कर्क कर ली जाएगी, नोटिस का मतन। हलफनामे में तब्दीली की तहकीकात होनी चाहिए, पूरे ऐवान से इज्तिमाई गुना हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में खिताब, फाटा को सूबे में जम करने का मुतालबा भी किया। फाटा का कोई कबीला FCR के हक में नहीं, फाटा के 1.5 करोड़ अवाम FCR से आजादी चाहते हैं, पार्लियामेंट मजबूत हुई तो जमहूरियत मजबूत होगी, शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान को बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़नी, ऐवान से अलामती वॉकआउट, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शेख रशीद सियासी जोकर हैं, उनकी बात को संजीदगी से नहीं लेता, ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल, कहा वजीर आजम को तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाता है, अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा करने वालों को नहीं पूछा जाता। शेख रशीद कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया इसहाक डार कबूल नहीं, ये भी कहा कि मुल्क में शदीद माली बोरान आने वाला है, LNG मुआहदे में 200 अरब की करप्शन हुई। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस में संगीन मसाइल उठ रहे हैं, जहांगीर तरीन की बेनामी जायदाद का रिकॉर्ड नहीं मंगवाया जा रहा, दानियाल अजीज की तनकीद। इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त खारिज कर दी, वजारत दाखला के एतराजात संजीदा नौयत के हैं, वजारत दाखला से क्लियरेंस के बाद हमसे रिजू किया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कराची में मुल्की मईशत और सलामती से मुतालिक उमूर पर सेमिनार, ताजिरों की बड़ी तादाद भी शरीक, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे।